Dear students, welcome to Smart Education. Today I am going to discuss few things related to your preparation for different entrance examinations, be it of post-graduation specific entrance examination or undergraduate courses specific entrance examination. You all know that most of the premier institutions take entrance examination for their courses. And another big examination is going to happen very soon. It may be possibly in June and July, that is CUCET 2022. Delhi University has also become the part of that entrance examination. So keeping all these entrance examination in mind, there are two formats for preparation. The one is the offline classroom mode and another one is the online classroom mode. Today, I'm going to discuss about both of these modes. Offline classroom का क्या pattern है और क्या फायदे हैं, हालांकि ये discussion आप सब लोग आपस में करते भी होंगे. Parents के लिए भी एक ये बड़ा चिंता का विषय, especially उन students के लिए जिनके लिए बहुत ज्यादा इस offline class का एक perspective है कि उनकी तैयारी में वो ज्यादा अच्छे तरह से contribute कर पाते हैं rather than online के कम को अगर हम बात करते हैं तो. ऑफलाइन क्लासेस के कुछ एक ये एस्पेक्ट हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में या एक से ज्यादा एस्पेक्ट में उनको अटेंशन की जरूरत होती है. बहुत कम एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ ही एस्पेक्ट्स में अटेंशन की जरूरत होती है. हमने कुछ एक इन्यूमरेट किए हुए हैं तो बता देते हैं कि जो ये अटेंशन है और जो ये इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन छोटा हो या बड़ा हो, बट ये इंटरवेंशन बड़ा क्रूशल हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एट द ऑफलाइन मोड. लाइक जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उनकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है. उनको डील करने के लिए अगर हम बात करते हैं जो ट्रबल एरियाज हैं उनके लिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्पेस एंड मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इंटरवेंशन को हम बेसिकली तीन चार तरह से देख सकते हैं. The two type of interventions basically, one is जहां आप अपने fellow जो preparation करने वाले जो आपके साथी हैं उनके साथ और जो mentors हैं उनके साथ. एक तीसरा और area exist करता है, that is environment का intervention. जो environment के intervention के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. ये दोनों aspect जहां पर आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनका और जो आपके mentors हैं, जो आपके teachers हैं उनका आपके साथ interaction, बहुत follow up और जो आपके हिसाब से तैयारी करने के लिए आपको चीजों की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, उसका परमानेंटली आपके पास अवेलेबल लेना और उसका फ्लो अच्छे तरह से आपके पास रहना, एक ही है. तो एनवायरमेंटल इंटरवेंशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है, जहां पर आप लाइब्रेरी का एक्सेस कर सकते हो, जहां पर आप नोट्स के बारे में रियल टाइम में आप बात कर सकते हो. उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की. ऑनलाइन क्लासेस में इन जनरल ये देखा गया है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, थोड़ा सा लोनलीनेस एस्पेक्ट रहता है, जहां पर मोटिवेशन का लेवल वो बहुत जल्दी क्रम्बल करने के चांसेस होते हैं. ऑनलाइन में भी दो तरह के मोड एग्जिस्ट करते हैं. एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोज होते हैं, उन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोज से सपोर्टेड कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां जिनको आप सुन करके और उनका आप उन डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ एक सवाल को या कुछ एक कंसेप्ट को पढ़ करके अपनी एक प्रिपरेशन को आयाम दे सकते हैं. दूसरा एक ऑनलाइन मोड है जहां पर टीचर आपके साथ वन टू वन और ग्रुप जो एक्सरसाइजेस होती हैं या ग्रुप में जो क्लासेस होती हैं उनमें आप टीचर आपके साथ लाइव आए और लाइव आपसे बात करें. वहां पर कुछ एक लिमिटेशन इस तरह की एग्जिस्ट करती है कि जब क्लास चल रही होती है तब तक तो ठीक है, उसके बाद फिर आपको अकेले ही डील करना पड़ता है. यहीं पर ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ऑफलाइन क्लासेस की ये इफेक्टिवनेस आपको एज देती है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. आपके प्रिपरेशन के लेवल को तो आप करती है ही, साथ में आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखती है. दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बट दीज हैव वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्रिपरेशन. These interventions has always played a key role in preparation and the formation of your life and career. That these things I wanted to discuss with you. Hamara center khul chuka hai. There are
channels, that is the Smarg Education, आप उस पर जाएं, आप उस पर subscribe करें. A lot of content is available on that channel also. Another channel is specifically mean to the students who are preparing for CUCET 2022 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल है स्मार्ट सीयूसीईटी टिस्बेट के नाम से. जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में जो तैयारी कर रहे हैं सीयूसीईटी के करने वाले हैं, उनको करनी ही होगी क्योंकि अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो हमारे इस चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, और फिर उस चैनल पर जो भी कंटेंट हम ऑलमोस्ट बहुत रेगुलर बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा 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 उसको देख करके पढ़ते रहें. आप सब लोगों को जो स्पेशली जो बच्चे 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको हम फिर से एक बार ये कहते हैं कि आप अपना फोकस अच्छी तरह से मेंटेन रखें, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं. नोट्स बनाने के तरीके पर भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए, लेक्चर वीडियो, लेक्चर तो नहीं कहेंगे बट एक हाई गाइडेंस वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे. और जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट्स का अभी टेस्टनेट का एग्जाम है, उसके बाद सीमेट का एग्जाम है, वो उसी तरह से अपने आप को तैयार. और कुछ हमारे स्टूडेंट्स जिनके मैनेजमेंट के जो कॉल लेटर्स आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, वो भी अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन को सही तरह से स्ट्रीमलाइन रखें. हमसे कनेक्ट करें, सेंटर ओपन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं. आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू कम टू द सेंटर, विजिट द सेंटर, डिवोट टाइम ओवर हेयर, टॉक टू योर टीचर्स and keep your preparation streamlined. Thank you.